पढ़ लेते हैं कि लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेंट, क्योंकि एग्जाम विल बी ओरल, तो वहां से कुछ भी आ सकता है, थियोरेटिकल पोर्शन भी आपका आ सकता है फॉर द ट्राइंगल टॉपिक, ठीक है. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होता है कॉन्वेंट फिगर, कि कोई भी फिगर कब कॉन्वेंट होती है, ठीक. तो दो चीजें होती है हमारे पास में, अगर कोई फिगर है दो, एक से ज्यादा फिगर है, तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो आएगी शेप और दूसरा आएगा साइज. अगर दोनों फिगर की शेप और साइज दोनों सेम है, तब हम बोलते हैं कि वो दोनों फिगर कैसी होंगी, कॉन्वेंट होंगी ईच अदर, ठीक है. तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इफ टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर सेड टू बी कॉन्वेंट फिगर, ठीक है. कॉन्वेंट का मतलब है कि अगर दो फिगर हैं आपके पास और वो पूरी तरह से कम्प्लीटली एक दूसरे को कवर कर रही हैं, तो वो कैसी होंगी, कॉन्वेंट होंगी, ठीक है. तो अभी शेप और साइज की बात करते हैं. शेप का मतलब हो गया कि अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए, डजंट मैटर कि एक ट्राइंगल ले लिया एक सर्कल ले लिया हम बोले कि कॉन्वेंट हो जाएंगे, नो. फर्स्टली शेप सेम होनी चाहिए, जो फर्स्ट फिगर की शेप है वही सेकंड फिगर की होनी चाहिए, तभी आपकी फिगर कॉन्वेंट बन सकती है. फिर आता है साइज, कि उनका मेजरमेंट भी सेम हो, ठीक है. अगर सर्कल है तो सर्कल के लिए रेडियस सेम होनी चाहिए, रेडियस सेम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि सर्कल इक्वल मेजरमेंट के होंगे और कम्प्लीटली पूरी तरह से एग्जैक्टली वो कवर कर लेंगे एक दूसरे को और कैसे होंगे, कॉन्वेंट होंगे, ठीक है. अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें कि कोई भी दो फिगर है और कॉन्वेंट है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, एक ही पर्सन के दोनों जो हथेलियां होती है, पाम होती है, वो कॉन्वेंट फिगर होती है. क्योंकि अगर मैं बात करूं कि एक एक पर्सन की ले ली पाम, दूसरे दूसरे की, क्या वो पूरी तरह से कवर कर लेंगे एक दूसरे को, नो. तो एक सिंगल पर्सन की दोनों जो पाम होती है हथेलियां, वो कॉन्वेंट फिगर होती है, क्योंकि पूरी तरह से कवर कर लेती है दोनों एक दूसरे को, ठीक है. तो आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई भी कॉन्वेंट फिगर कब होंगी, कोई भी फिगर कॉन्वेंट कब होंगे, जब उनका शेप और साइज सेम हो. तो यहाँ पे आपका एमसीक्यूज बन सकता है एक, कि दो फिगर कॉन्वेंट फिगर के लिए क्या सेम होना चाहिए, शेप एंड साइज, ठीक है. या फिर कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है बच्चे. तो जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं, आप कब कॉन्वेंट कहते हो, तो एक तो होती है लाइन सेगमेंट. हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, आपका लाइन सेगमेंट होगा, देन आप बोलते हो कि रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, ठीक है, सर्कल, देन ट्राइंगल. ये सारी फिगर्स हैं जिनमें हम कॉन्वेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है. और भी बहुत सारी हो सकती है, जरूरी नहीं है केवल यही है, इनसे भी अलग है. तो फर्स्ट होती है लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट बेसिकली एक लाइन का पार्ट है. तो लाइन सेगमेंट में सिर्फ हमारी एक लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती. दैट मीन्स अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्वेंट होंगी तो उनकी लेंथ सेम होगी. लेंथ से अलग लाइन सेगमेंट में कुछ नहीं होता. अगर मैं बोल रही हूँ कि एक लाइन सेगमेंट ये है 5 सेंटीमीटर की पी क्यू और दूसरी आपकी ए बी, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तो इसमें लेंथ के अलावा और कुछ नहीं है दोनों में. तो ये कैसी होंगी, कॉन्वेंट होंगी, बिकॉज दे हैव सेम लेंथ. इनकी लेंथ क्या है, सेम है. तो लाइन सेगमेंट क्या होंगी, कॉन्वेंट होंगी. फर्स्टली कॉन्वेंट का जो सिंबल है, जिससे भी एक फिगर आपका एमसीक्यू बन सकता है, कि हम जो कॉन्वेंट जो होती है कॉन्वेंसी का सिंबल क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है. देन आफ्टर, अभी लाइन सेगमेंट का क्लियर हो गया. लाइन सेगमेंट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्वेंट, ठीक है. तो आंसर होगा इफ दे हैव सेम लेंथ, कि अगर लाइन सेगमेंट कॉन्वेंट कब होगी, अगर उनके पास सेम लेंथ होगी, ठीक है. सेकेंड वन आता है आपका रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल में आपका लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है. रेक्टेंगल के अंदर लेंथ होगी, ब्रेथ होगी. तो दो रेक्टेंगल कॉन्वेंट कब होंगे, इफ दे हैव सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, अगर उन दोनों की लेंथ और ब्रेथ सेम हो, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, अगर लेंथ ब्रेथ सेम होगी दैट मीन्स एरिया भी सेम होगा, सेम मेजरमेंट के होंगे और फुली कवर कर लेंगे एक दूसरे को एग्जैक्टली, ठीक है. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्वेंट, देन आंसर विल बी इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ, अगर उनकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, ठीक. अब आता है स्क्वायर. तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो आप बोल सकते हो टू स्क्वायर्स आर कॉन्वेंट इफ दे हैव सेम साइड, कि अगर उनकी जो साइड है वो सेम हो दोनों की, एक 4 सेंटीमीटर की साइड का तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर की साइड को, ठीक है. फिर आता है सर्कल पर.
आपकी रेडियस होती है और सर्कमफेरेंस होती है, और सर्कमफेरेंस भी कब ड्रॉ होती है जब आप रेडियस ले लेते हो। रेडियस का पता कैसे चलता है कि कौन सी रेडियस होगी? सपोज दैट आपने कंपास के अंदर पेंसिल लगाया, तो जो कंपास का पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको कंपास का पॉइंट आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो मिड पॉइंट होता है कंपास रखते हो जहाँ पे, उसको बोलते हैं सेंटर, क्योंकि वो फिक्स होता है कंपास एक जगह पे, पेंसिल मूवमेंट लेती है, ठीक। और कंपास और पेंसिल पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स कि जहां पर कंपास पॉइंट है उसको जितना हम ओपन करते हैं वो होती है उसकी रेडियस, ठीक है। लाइक आपने ऐसे रखा सर्कल और ड्रॉ किया, तो यहाँ से यहाँ तक इसी को तो रेडियस बोलते हैं। तो आपका कंपास पॉइंट और पेंसिल पॉइंट के जो मिड के डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस होती है। तो सर्कल के अंदर कब आप कॉन्वेंट बोलोगे, व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्वेंट इफ दे हैव सेम रेडियस, अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम होगी, ठीक है। तो अभी जो पर्टिकुलर ये फिगर्स है, प्लेन फिगर्स, तो इनमें क्या होता है कि बेसिकली मैं ये नहीं कह रही कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अलग अलग टाइप्स होंगे, रेक्टेंगल सिर्फ एक ही टाइप का होता है, एक पर्टिकुलर सिंगल टाइप का होता है। इसी तरह से स्क्वायर भी आपका एक सिंगल टाइप का होता है, सर्कल भी एक सिंगल टाइप होता है, बट ट्राइंगल में ऐसी कंडीशन नहीं है। ट्राइंगल में क्या होता है कि आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो अगर देखो तो सिक्स टाइप के होते हैं, स्कलन हो गया, आइसोसेलस हो गया, इक्विलेटरल हो गया, एक्यूट एंगल्ड होता है, राइट एंगल्ड होता है और ऑब्ट्यूज एंगल्ड होता है, सिक्स टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो इसीलिए आपके ट्राइंगल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो आपका जो ट्राइंगल है इसके लिए जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, एक होता है एस एस एस, दूसरा होता है एस ए एस, देन ए एस ए, देन ए एस, एंड इन द लास्ट आर एच एस। आपके पांच क्राइटेरिया है कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्वेंट होंगे तो ये कंडीशन डिपेंड करेगी उनपे, ठीक है, फाइव कंडीशन। तो अगर सीधा सा कॉन्सेप्ट ले, एक वर्ड आता है ट्राइंगल में कॉन्वेंसी के लिए, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंड आपका इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल या इंक्लूडेड साइड, ठीक है। तो कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है या रिस्पेक्टिवली भी बोल सकते हो आप, रिस्पेक्टिव साइड। अगर आपके पास में दो ट्राइंगल है, अब जरूरी तो नहीं है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है ये स्केलन ट्राइंगल हो। अब स्केलन ट्राइंगल होगा तो तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की होंगी, ठीक, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो कॉन्वेंट करने के लिए क्या होगा, इनके रिस्पेक्टिव साइड सेम होनी चाहिए। रिस्पेक्टिव का मतलब कि जिस रेशो में ये है उसी रेशो में बेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम दो ट्राइंगल को कॉन्वेंट कहें तो क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्वेंट इफ दे हैव देयर कोरस्पोंडिंग साइड एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल है तब आप बोलोगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्वेंट है। अभी हमने बोला कि कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल, तो कोरस्पोंडिंग साइड में आपके थ्री तो साइड आएंगी और एंगल के लिए थ्री आपके एंगल्स होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम छह की छह चीजें दिखाएं, पहले छह की छह इक्वल दिखाएं तभी हम क्या करें उसको इक्वल रखें या कॉन्वेंट रखें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपके जो फाइव कंडीशंस हैं ये वाली एस 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 यही सफिशियंट होती है इसको ट्राइंगल को कॉन्वेंट प्रूफ करने के लिए। तो फर्स्ट आपका आता है एस 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 साइड साइड साइड, दैट मीन्स सीधा दिख रहा है आपको कि एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड। अगर दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, रिस्पेक्टिव साइड, ठीक है, फर्स्ट साइड फर्स्ट के इक्वल, सेकंड साइड सेकंड के इक्वल एंड थर्ड वन इज इक्वल टू थर्ड साइड, तब आपका ट्राइंगल कॉन्वेंट होंगे एंड क्राइटेरिया विल बी एस एस एस, ठीक है। इसी तरह से आपका आता है एस ए एस, दैट मीन साइड एंगल साइड। अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे हम इंक्लूडेड, ठीक है। तो फिगर मैं ड्रॉ करके आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे क्या है कि ट्राइंगल दो कॉन्वेंट कब होंगे, अगर उनकी दो साइड यानी टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो अभी इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि लाइक अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाले इसके इक्वल है, इक्वल जो आपका इंक्लूड है, इंक्लूड का मीन्स है कि इन दोनों साइड के मिड में ही वो एंगल हो, इन दोनों से इंक्लूडेड हो, दैट मीन्स आपका यही वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तब आपकी कंडीशन होगी एस एस एस, सॉरी एस ए एस, साइड एंगल साइड,
तो इंक्लूडेड का मीन्स क्या हुआ, अगर आप दो साइड ले रहे हो तो उसके बिटवीन ही वो इंक्लूड करना चाहिए, एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपका थर्ड पॉइंट है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब है दोनों एंगल कॉन्वेंट तब होंगे अगर उनके दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, ठीक है। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्वेंट इफ देयर टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, कि अगर दो एंगल और उसके ही इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, जस्ट लाइक दैट। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो इंक्लूडेड साइड हुई दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कंडीशन बनी ए एस ए। अभी एक आती है आपके नीचे ए ए एस, एंगल एंगल साइड। ये दोनों कंडीशन देखिए, इनमें क्या है, दो एंगल इक्वल है, यहाँ दो एंगल एक साइड, यहाँ पे दो एंगल एक साइड, तो डिफरेंस क्या है? फिर हम इसको एक बार भी लिख सकते हैं सिंगल टाइम भी, ठीक है। एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो आपकी ऊपर वाली है एंगल साइड एंगल, उसमें आपकी इंक्लूडेड साइड होती है, बट जो आपका नीचे जा रहा है ए ए एस, वहां आपकी कंपनसेशन नहीं है कि वो इंक्लूडेड हो, ठीक है। इंक्लूडेड साइड का रीजन नहीं है इसमें, कंपनसेशन मैंडेटरी नहीं है कि आपकी साइड जो है वो इंक्लूडेड हो। तो नॉर्मली अगर हम फिगर ड्रॉ करें, एक ट्राइंगल ये है आपका, सेकेंड ट्राइंगल ये है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इंक्लूडेड ए एस ए के लिए तो ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, बट जो ए एस होती है उसमें इन दोनों में से कोई सी भी साइड इक्वल हो जाए, जरूरी नहीं है इंक्लूडेड हो, तो वहां आपका क्राइटेरिया जाएगा ए एस एंड ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा ए एस का, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर टू एंगल्स एंड एनी वन साइड आर इक्वल, ठीक है। दो एंगल और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो आपकी ए एस होगी, और अगर दो एंगल एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है तब आपके क्राइटेरिया होगा ए एस ए, ठीक है। लास्ट वन है आपकी आर एच एस, आर से हो गया आपका राइट एंगल, हाइपोटेनस और फिर है आपका साइड, ठीक है। तो फर्स्टली राइट एंगल है, दैट मीन्स ट्राइंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इस तरह से होगा आपका, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट कब होंगे, जब उनका एक का राइट एंगल इक्वल हो, एक हाइपोटेनस 90 के सामने वाला एंगल, और बाकी दो जो साइड बची हुई है इन दोनों में से कोई सी एक इक्वल हो जाए, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, डजंट मैटर, ठीक है। तब आपका क्राइटेरिया जाएगा आर एस एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, और ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्वेंट। आपको पांचों क्राइटेरिया क्लियर हो गए, ये ऑल हैव क्लियर, टर्म्स बता रही हूँ जिनका स्टेटमेंट है, एंड यू हैव टू बी प्रूफ फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। आपको प्रूफ भी करना है, डेरिवेशन है, आई थिंक आप लोगों ने किया भी है। तो फर्स्ट थ्योरम है फॉर आइसोसेलस ट्राइंगल, द स्टेटमेंट इज एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। आपको प्रूफ करना है कि आइसोसेलस ट्राइंगल में अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, इक्वल एंगल्स जो होते हैं, उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो थ्योरम है इस तरह से रहेगी कि एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल है, ऑब्वियसली बात है आइसोसेलस ट्राइंगल है तो एनी टू साइड्स विल बी इक्वल, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है कि जो उनके अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, और ये आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोसेलस ट्राइंगल के बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक बाइसेक्टर हम या परपेंडिकुलर, यू कैन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, तो 90 का होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्वेंट प्रूफ करोगे, ये एंगल इससे इक्वल, राइट एंगल, हाइपोटेनस विल बी सेम एंड दिस साइड विल बी कॉमन। तो आपकी कंडीशन होगी आर एच एस, आर एच एस से ट्राइंगल कॉन्वेंट होंगे। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ, एक क्राइटेरिया होता है, एक छोटा सा वर्ड है सीपीसीटी, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई भी ट्राइंगल को कॉन्वेंट प्रूफ कर दिया, ठीक है, आपने नहीं टू ट्राइंगल्स कॉन्वेंट प्रूफ कर दिए, तो आप उसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स, छह चीजें होती है,
तीन से तो आप कॉन्वेंट प्रूफ कर देंगे, तो बाकी जो तीन है आप उनको बाय सीपीसीटी इक्वल लिख सकते हो, मतलब आप एक वर्ड लिखिए बाय सीपीसीटी और उनको इक्वल रख दीजिए, ठीक है। तो सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट जितने भी उसके पार्ट है, तो यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अब कोरस्पोंडिंग पार्ट में थ्री साइड भी आती है आपकी और थ्री एंगल्स भी आते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपने इन दोनों ट्राइंगल को RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। इन द लास्ट यू जस्ट राइट डाउन बाय सीपीसीटी दिस एंगल इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको प्रूफ कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन है द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अभी जस्ट कन्वर्ट कर दिया, अभी आपको बोला था कि अगर साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इस बार बोला है कि अगर एक ट्राइंगल के बेस एंगल इक्वल है, ठीक है, तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अब की बार आपको इनको इक्वल प्रूफ करना है। सेम एज ये साइड कॉमन भी, ये एंगल इससे इक्वल, ये एंगल इससे इक्वल, क्योंकि गिवन है ये हमें, ठीक। तो ये क्राइटेरिया हुआ आपका AAS से क्यों नहीं है, क्योंकि साइड आपके इंक्लूडेड नहीं है, इन दोनों के बीच में लाइन नहीं कर रही। तो आपको क्राइटेरिया है AAS और आपके ट्राइंगल कॉन्वेंट हो जाएंगे बाय सीपीसीटी दिस साइड इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो इन थ्योरम्स को। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे मैम। सेम ईयर बच्चा। हैव अ नाइस डे मैम। सेम ईयर बच्चे। हैव अ नाइस डे मैम। सेम ईयर।